से वो जूझ रही थीं। लखनऊ के इस डबल मर्डर केस में नाबालिग के डिप्रेशन में होने की बात भी कही जा रही है, लेकिन डिप्रेशन के पीछे का सच क्या है, पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है। डिप्रेशन का एंगल सुशांत की मौत मिस्ट्री से भी जुड़ रहा है। मुंबई में सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पिछले करीब 8 घंटे से पूछताछ कर रही है। लगातार तीसरे दिन रिया पर सीबीआई के सवाल बरस रहे हैं। आज सीबीआई के तीखे सवालों से रिया अपना आपा तक खो बैठी और पूछताछ कर रही एसआईटी पर बरस पड़ी। आज है रिया चक्रवर्ती से इंटेरोगेशन का राउंड 3। आज रिया चक्रवर्ती पर बरसी सीबीआई के सवालों की 3rd डिग्री। अब तक रिया से 17 घंटे पूछताछ, आज कितने घंटे सवाल जवाब। सुशांत की डेथ मिस्ट्री में रिया चक्रवर्ती पर सीबीआई का शिकंजा और कसता जा रहा है। आरोपों के भंवर जाल में फंसी रिया से सीबीआई के सवालों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी कई ऐसे एंगल हैं जिन पर पूछताछ बाकी है। यही वजह है कि आज लगातार तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सवालों के सामने है। रिया से पहले दिन सीबीआई ने 10 घंटे पूछताछ की थी। 28 अगस्त को रिया सुबह 10:30 बजे के बाद डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची थी और रात करीब 9 बजे बाहर निकली। दूसरे दिन 29 अगस्त को रिया दोपहर 1:30 बजे गेस्ट हाउस पहुंची थी और 7 घंटे तक सवालों का सामना करने के बाद रात करीब 8:30 बजे बाहर निकली। अब देखना है कि आज तीसरे दिन रिया से कितने घंटे पूछताछ होती है। जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं, बाकी के जो किरदार हैं इस पूरे मामले में, उन्होंने जो जवाब दिए हैं उनसे बहुत सारे सवाल निकलेंगे और वो सवालों की फहरिस्त के साथ सीबीआई की टीम तैयार है। कल जो पूछताछ हुई थी, कल जो रिया से सवाल पूछे गए थे, वो सुशांत और उनके पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर थी। क्या सुशांत को डिप्रेशन के बारे में जो रिया ने दावा किया उसको लेकर था, साथ ही ये भी कि क्या कभी सुशांत ने उनसे इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें आत्महत्या करने जैसा मन हो रहा, क्योंकि डिप्रेशन में थी वो दावा कर रही थी। तमाम सवाल कल पूछे गए थे, आज बाकी लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे काफी सारे सवाल निकले हैं, वो रिया के सामने रखे जाएंगे। अभी तक सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से 1-to-1 पूछताछ की है। सुशांत की डेथ मिस्ट्री को लेकर रिया का पक्ष यानी उनका वर्जन जाना है। रिया से अभी तक सीबीआई ने क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की है। 2 दिन की पूछताछ में रिया कई बातों को नकार रही है तो कई बातों को कबूल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती 2 दिन के पूछताछ से सीबीआई रिया के जवाब से संतुष्ट नहीं है। सीबीआई को लग रहा है कि रिया बहुत कुछ छुपा रही है। यही वजह है कि सीबीआई रिया का पॉलीग्राफी टेस्ट करा सकती है। सीबीआई के इंटरोगेशन से रिया चक्रवर्ती अब अपना टेम्परामेंट खोने लगी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक दूसरे दिन सवालों से रिया इतनी परेशान हो गई कि उसने सीबीआई अधिकारियों के सामने ऊंची आवाज में बात की, जिसके बाद सीबीआई की एसपी नूपुर प्रसाद ने रिया को जमकर डांटा। एसपी नूपुर प्रसाद ने रिया से कहा कि अगर वो बेगुनाह है तो साबित करे। शनिवार को रिया से जब सीबीआई ने पूछताछ की तो उस दौरान सीबीआई ने साफ तौर पर रिया को यह कहा कि वो उसे गिरफ्तार क्यों ना करें, वो किसी भी साइंटिफिक जांच के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही है। इसके बाद रिया ने एसपी नूपुर प्रसाद से ऊंचे लहजे में बात की। उसका जवाब नूपुर प्रसाद ने यह कहते हुए कहा कि हमें इस केस का, सुशांत की मौत का मोटिव पता करना है, अगर तुम बेगुनाह हो तो अपनी बेगुनाही का सबूत दो। आपको वो सवाल बताते हैं जिसके बाद रिया परेशान हुई। सीबीआई ने पूछा कि सुशांत की मौत के लिए रिया खुद को कितना जिम्मेदार मानती है। सुशांत की मौत रिया की बेरुखी की वजह से तो नहीं हुई। सीबीआई का फोकस 8 जून पर है। यही वजह है कि रिया से पूछा गया कि क्या 8 जून को घर छोड़ने के बाद सुशांत के मन में सुइसाइड का ख्याल आया। सीबीआई ने पूछा कि सुशांत का घर छोड़ने के बाद उसकी हालत के बारे में क्या किसी को बताया, क्या सुशांत ने कभी बताया था कि वो अपने आप को खत्म कर सकता है। आप सुशांत के साथ लिव इन में रही, आप उसकी मानसिक स्थिति को कितना समझती थी, क्या हम सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में आपको गिरफ्तार कर लें, अगर आप बेगुनाह हैं तो क्या किसी भी साइंटिफिक टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। सुशांत केस में अभी तक रिया से इस तरह से कड़ी पूछताछ नहीं हुई थी।
मुंबई पुलिस ने सिर्फ दो बार रिया को बुलाकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। ऐसे में दो दिन की पूछताछ से ही रिया बौखला गई है। उसकी बौखलाहट कैमरे पर दिख रही है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि सीबीआई ने रिया से अब तक क्या सवाल पूछे हैं। सीबीआई ने रिया से पूछा कि सुशांत से पहली मुलाकात कब और कहां हुई। सीबीआई ने इसी के बाद अगला सवाल किया कि रिया और सुशांत एक दूसरे के करीब कब आए। रिया से सीबीआई ने ये भी पूछा कि वो सुशांत के घर रहने के लिए कब गई। सीबीआई ने रिया से ये भी जाना कि क्या उसने सुशांत के स्टाफ को निकाला था। सीबीआई के सवालों का फोकस ये जानने पर था कि रिया पिठानी और मिरांडा को कैसे जानती है। गेस्ट हाउस में पूछताछ के राउंड वन में सीबीआई ने 8 जून की मिस्ट्री पर भी सवाल किए और पूछा कि रिया 8 जून को क्यों सुशांत का घर छोड़कर गईं। 8 जून के बाद रिया ने सुशांत का नंबर क्यों ब्लॉक किया। इसके अलावा फाइनेंशियल डिटेल पर भी सीबीआई ने सवाल किए और जाना कि सुशांत के किस बैंक में और कितने अकाउंट थे। सुशांत के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कितने थे। घर का किराया कौन से अकाउंट से जाता था। बैंक अकाउंट में सुशांत का नॉमिनी कौन था। सुशांत के साथ यूरोप ट्रिप में कितना खर्च हुआ। सुशांत की कंपनियों में किसकी कितनी हिस्सेदारी थी। सुशांत के फाइनेंशियल लेन देन में परिवार का दखल था। सुशांत ने अपना सीए क्यों बदला। रिया से पूछताछ के जरिए सीबीआई हर उस सवाल का जवाब जानना चाहती है जो सुशांत डेथ मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। सीबीआई इस बात का भी पता लगाना चाहती है कि रिया ने जो डिप्रेशन की थ्योरी बताई उसका सच क्या है। सीबीआई ये भी जानना चाहती है कि सुशांत का फाइनेंस और यूरोप टूर का सुसाइड का कोई कनेक्शन तो नहीं है। और सबसे अहम बात कि दिशा सालियन की मौत और सुशांत की मिस्ट्री के कहीं कोई तार तो नहीं जुड़े हुए है। पहले दिन की पूछताछ खत्म होते ही सीबीआई ने रिया को बता दिया कि वो उसके जवाबों से संतुष्ट नहीं है और उसे अगले दिन भी आना पड़ेगा।